हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह से, और गाय को रोटी देने के लिए जा रही हूँ अभी। तो गाय को रोटी दे के आते हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज माँ कात्यायनी जी का दिन है, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो और माता रानी हम सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, बस यही प्रार्थना है। चलिए हमें रोटी दे के आती हूँ गाय को। तो दोस्तों, मैं दे आई हूँ रोटी गाय को और घर पहुँच गई हूँ, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है रोटी गाय। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को अंदर का क्या है। दिन भर सुबह का काम तो हो गया है, नाश्ता पानी सब कर लिया है मैंने, और सब लोग ड्यूटी को चले गए। हमने हस्बैंड जी सोए हुए हैं, उनकी नाइट ड्यूटी चल रही, मम्मी पूजा कर रही है, और क्या फिर थोड़े जो छोटे मोटे काम हैं अभी मैं सोच रही हूँ, थोड़ा दाल साफ़ कर लिया मुझे, वो साफ़ कर देती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हेलो दोस्तों, 12:30 बज चुके हैं और दिन का टाइम है, तो मैं अभी पर भी खाना पीना बना लेती हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ दाल चावल। टॉमी यहाँ पर सो रखा है, मैं आपको दिखा नहीं सकती किस तरीके से वो सोया हुआ है, क्योंकि उसकी स्थिति अभी देखने लायक नहीं है। मतलब आराम से सोया है, अपने अपने मूड में, रिलैक्सिंग वाले मूड में सोया है इस वजह से। तो मैं अभी खाना पीना बनाती हूँ दाल चावल, और अभी ये तो सोए हुए हैं, देर से ही उठेंगे, तो 2 बजे तक खाएंगे हम लोग खाना, तभी ये उठेंगे, हाथ मुँह धोएंगे। टाइम लग जाता है क्योंकि नाइट ड्यूटी करके आए हैं ना, इस वजह से। तो तब तक मैं सोच रही हूँ, थोड़ा कट्टे वट्टे हैं एक दो, गंदे हो रहे थे, वो आटे के हो जाते हैं ना, अगर धो के ना रखो तो कीड़े जैसे लगने लग जाते हैं उसमें, तो वही मैं धो रही हूँ अभी। और बस फिर मिलते हैं आप लोगों से अभी, 12:30 हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे दिन का टाइम हो चुका है और अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। मैंने जो 2-4 कट्टे थे गंदे हो रखे थे ना, वो धो दिए और सुखा के आ गई हूँ छत में। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी उठ चुके हैं अब, और आज इनका बर्थडे भी है, तो आप सब लोग भी इनको बर्थडे की विशेष दीजिएगा, अच्छी अच्छी शुभकामनाएं दीजिएगा। तो अभी उठ रहे हैं, सुबह तो मैंने बोल दिया था, वैसे फ़ोन में भी बोल ही दिया था, लेकिन अभी मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मैंने इसे कहा था कि तुमको मैं लूंगी नहीं, क्योंकि इनको कैमरे में आना व्लॉग में उतना अच्छा नहीं लगता है, बट थैंक यू तो बोल ही सकते हैं ना। क्यों? ठीक है, आप खाना बनाती हूँ, दाल चावल खाओगे? दाल चावल इनको पसंद है, तो दाल चावल बनाती हूँ इनके लिए मैं। आप चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हाँ, तो दोस्तों खाना बनने के लिए तो मैंने रख दिया है, और सीटी भी आने वाली है, उसमें दाल पकने वाली है, चावल भी रख दिया है। तो तब तक मैं सोच रही हूँ, जो उस दिन दाल सुखाई थी ना मैंने, तो इसको मैं ढूंढ देती हूँ, मतलब सूख तो ये गई थी उस दिन, लेकिन सुखा के ना छत में थोड़ा धूल धूल हो जाती है, तो इस वजह से इसमें थोड़ा धूल हो गई थी, क्योंकि गेहूँ धोए थे उसी दिन मिट्टी वाले, तो उसकी धूल सब इसमें आ गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। ज़्यादा गंदगी नहीं है, तो थोड़ा बहुत साफ़ करके मैं इसको रख देती हूँ। खाना पीना खा के अभी रेडी हुई हूँ, मतलब कि अभी फ्री हुई हूँ। अब मैं खा रही हूँ चॉकलेट, मैं आने आया, अपने हस्बैंड जी को दिया था इस पर 2 चॉकलेट एंड लिख के हैप्पी बर्थडे। बच्चों जैसी हरकतें हैं, क्या करें। और ये चॉकलेट भी वही लेके आई हूँ, जबकि मैं नहीं लेके आई हूँ अभी, मैं सोचना मैं लेके आ रही हूँ, चॉकलेट भी वही लेके आ रखे हैं, उन्हीं का चॉकलेट उन्हीं को थमा दिया मैंने सुबह सुबह हैप्पी बर्थडे करके, क्योंकि फीलिंग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आप कितना मतलब एफर्ट डाल रहे हो उस चीज़ के लिए, वो इम्पोर्टेंट मायने लगता है। ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े केक ऑर्डर करो, ये करो वो करो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप कितना प्रयास कर रहे हो किसी को खुश करने के लिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं चॉकलेट खाती हूँ उन्हीं की लाई हुई। तो दोस्तों, अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे शाम को, बज गए हैं 7:15, और खाना पीना मैंने सब रेडी कर दिया है, खाना पूजा पाठ करके अभी खाना अभी भी जस्ट बनाया, सब्जी बना के रोटी भी बना दी है साथ साथ, और अभी हस्बैंड जी बोले थोड़ी देर में खाऊंगा करके। मम्मी गई है सुंदरकांड में, पीछे हमारे पड़ोस में किसी का सुंदरकांड है, वहाँ पर गई हैं, हर मंगलवार को वो कराते हैं, तो वहाँ गए हुए हैं, और धीरे धीरे ड्यूटी से नहीं आ रखे हैं। तो खाना पीना मैंने सब रेडी कर दिया है, तो मैं भी अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, और आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स, बाय बाय। और दोस्तों, आज है श्री माँ कात्यायनी माता जी का दिन, तो आप सबको
बहुत बहुत शुभकामनाएं, और माता रानी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।